हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, हम लोग सामान लेके निकल गए थे न्यू घर के लिए। तो बस यहाँ पे मैं फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ एंटर करते ही सामान रखते हुए, और बहुत सारा सामान था इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा कैप्चर नहीं करा। इसके बाद हम बैक टू बैक सामान रखते रहे और यहाँ पर होता है फुल पूरा घर, एंड उसके बाद मैं निकल गई अपने पुराने घर वापस। हाँ जी, तो घर मूव हो गया है, सामान सारा शिफ्ट कर लिया है फाइनली। अब बस अनपैक करना है, बट अभी मैं जा रही हूँ घर वापस अपने पहले वाले घर में, बिकॉज मुझे वहाँ जाके मुझे कल क्लीनिंग वाले आ रहे हैं घर पे, तो मुझे उनके साथ रुकना है क्लीनिंग वालों के साथ। एंड कल ऑफिस का काम भी करना है, तो लैपटॉप वगैरह सब वहीं पर है, तो आई विल डू दैट। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, घर जाके खाना वाना खाऊँगी एंड देन फिर देखते हैं क्या। यहाँ पे ना मेरे घर के जहाँ पे अभी न्यू घर है वहाँ पे बिल्कुल सामने इलेक्ट्रिकल शटल्स टाइप चलती है, इलेक्ट्रिकल शटल चलती है। इतनी क्यूट सी है ना, छोटी सी है, और कोई ड्राइवर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी मैं उसकी वेट कर रही हूँ, मैं आपको क्विकली से दिखाती हूँ। ये आ रही है टेम्पो जैसा। इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपने आप ही चलती है। जब मैं पहली बार बैठी मुझे डर भी लग रहा था इसमें कि भैया कहीं और ही ना उतार दें, बट अभी बैठ गई हूँ मैं, कोई भी नहीं है अभी इसमें तो। आ गई हूँ मैं अपने न्यू घर में, और बहुत सारे खिलारे के साथ फाइनली हो गया सब कुछ। चेकआउट हो गया, कीज़ हैंडओवर कर दी, सब कुछ हो गया अच्छे से। बस बहुत ज़्यादा सामान है, लुक एट दिस गाइस, बहुत 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 ज़्यादा सामान हो गया है। तो यस, और मैं आपको अभी हो रहा है यहाँ पे सनसेट, आई थिंक ऑलमोस्ट 7 o'clock होने वाले हैं, और यहाँ हो रहा है सनसेट, एंड बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से, रियली गुड, बहुत सुंदर लग रहा है। वन सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ से आप देखो, एंड लेट मी शो यू। Isn't it pretty? So nice. बहुत सुंदर व्यू है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। सो यस, ये रहा मेरे घर के अंदर से, लिविंग रूम से प्रीटीएस्ट व्यू, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक होता है ना, किसी अपार्टमेंट में जाके, किसी न्यू घर में जब जाते हो, आपको एक वाइब आती है, एक तो बहुत अच्छी वाइब आ रही है स्टार्टिंग से ही, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है, बहुत ब्राइट है अपार्टमेंट, सो इट्स रियली गुड। नाउ आई विल शो यू द वे आई हैव शोन यू कि कैसा लगता है ये, जैसा मुझे मिला है। नाउ आई विल डेकोरेट द इंटीरियर, मैं इसको अपने ढंग से अभी सेटल करूँगी सब कुछ, तो बहुत देर नहीं लगाऊंगी, बहुत जल्दी कर लूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट इट लाइक परफेक्ट एज आई वॉन्ट। अपने हिसाब से मैं इसको सारा सेटल करूँगी धीरे धीरे, और आपके साथ शेयर करूँगी ऑफकोर्स, तो आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊँगी कि कैसा लगता है। आप किसी भी जगह को ना कैसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपनी तरह का टच देके, अपना जो आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डेकोरेट कर सकते हो। तो मैं आपको अच्छा सा टूर दूंगी अपने घर का जब मैं ये सब सेटल कर लूँगी, तो येस स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब फाइनली मैं मूव कर गई हूँ, अब सारी अनपैकिंग करनी है, पहले पैकिंग का था, अब अनपैकिंग का होगा, बट अनपैकिंग मैं आराम आराम से कर लूँगी।
और यस बट अभी डिनर वगैरह बनाने लगी हूँ, कुछ खाने लगी हूँ। अभी किचन का भी कुछ सॉर्टेड नहीं है, तो सब कुछ सामान अभी राशन वाशन सब लाने वाला है। मैं सब ख़त्म करके आई थी वहाँ से, कुछ कुछ भी सिर्फ बेसिक चीज़ें पड़ी हैं, तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। आज ये चैप्टर ख़त्म हुआ है, ये चैप्टर क्लोज हुआ है, न्यू शुरू हो जाएगा कुछ, सो इट विल गो ऑन, सो लेट्स डू दिस। तो यस मिलती हूँ, बाय बाय। तो आप देख रहे हो पीछे कितना खिलारा अभी पड़ा है। ऑल्दो आई ट्राइड टू यू नो सेटल डाउन फ्यू थिंग्स, जो मैं कर पाई, मेरा आज भी ऑफिस था, कल भी ऑफिस था, और मैं कल ही एक्चुअली मूव हुई हूँ थर्सडे को, और फिर भी मेरी जो जो चीज़ें मेरे को ज़रूरत थी ना, उस हिसाब से मैं स्लोली स्लोली स्टार्ट कर दिया मैंने, जितना भी टाइम बीच बीच में था काम के साथ मैंने मैनेज कर लिया। तो यस मैं आपको क्विकली से थोड़ा सा दिखाती हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी फुल एंड फाइनल जब मेरा सारा हो जाएगा, जो कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं मंडे तक कर लूँगी, बिकॉज यहाँ पे ईस्टर है, आई मीन यहाँ पे क्या हर जगह पे ही है, तो ईस्टर की वजह से हमें मंडे को ऑफ है। तो अभी मेरे पास लॉन्ग वीकेंड है, आई एम गिविंग माई सेल्फ अ चैलेंज कि मैं मंडे तक सारा स्कूल सेटल कर दूंगी, एटलीस्ट सारा क्लीन, सामने कुछ नहीं देखेगा, मैं अलमारी में रख दूंगी, कुछ एडजस्ट कर दूंगी लेफ्ट राइट सेंटर, ताकि मेरे को बैठने में ऐसा रहेगा। क्योंकि पता क्या होता है, जैसे आपके आपके अगर आसपास खिलारा पड़ा हो ना, तो आपको खुद में भी गंदा फील होता है, लाइक आई कांट लिव इन अ प्लेस जहाँ पे इतना खिलारा आसपास हो, और मतलब एक दो दिन आई कैन मैनेज यू नो, अदरवाइज मेरे को खुद में ऐसा गंदा फील होता है, मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसे नहाने का भी मन नहीं करता, मुझे ऐसा कि यार क्या गंद में ही तो रहना है, तो क्यों ही नहाना है, क्या ही करना है। तो यू नो यू अंडरस्टैंड इट कैसे, किस वे में मैं कह रही हूँ। सो तो यस अभी, और मैंने एक चीज़ और सोची है, क्योंकि कुछ स्टफ़ ऐसा है जो कि मैं आई एम नेवर गोना यूज़ दैट स्टफ़, और ऐसा कह लो कि मैं ना पुराना स्टफ़ पड़ा है, बट दे आर इन एक्चुअली रियली गुड स्टेट, जो मैं अटैच्ड हूँ उन चीज़ों से, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं अभी उनको डिस्कार्ड कर दूँगी, जो यहाँ पर आ भी गया, ऑल दो मैंने काफ़ी सामान वहाँ पे भी डिस्कार्ड कर दिया था, बट अभी मैं यहाँ पे भी कर दूँगी, ताकि मुझे बहुत सारे बॉक्सेस ना रखने पड़े मेरे पास। तो यस और अभी मैंने खाना ऑर्डर करके खाया है बाहर से, एंड मैंने मंगवाया था पाव भाजी, और वो एक्चुअली उसमें पाव भाजी एंड बिरयानी का कॉम्बो था, तो मैंने वही मंगवा लिया, और बिरयानी बच गई है, मैं तो पाव भाजी से पेट भर गया। और ये क्योंकि यहाँ पे ना पाव भाजी में, क्योंकि यहाँ पाव तो मिलते नहीं है, तो पाव की जगह वो बन होता है जैसे, तो वो मिलता है, और मैं अभी पी रही हूँ कॉफ़ी। तो मेरी एक्चुअली कॉफ़ी भी ख़त्म हो रखी है, और मेरी जो फिल्टर कॉफ़ी वाली मशीन है वो भी मुझे मिल नहीं रही है, सामान में पता नहीं कहाँ पे है, तो मैं अभी नेस्प्रेसो वाली पी रही हूँ। नेस्प्रेसो आई रियली डोंट लाइक इट, बट एक्चुअली आई वाज क्रेविंग फॉर कॉफ़ी, तो मैं एक्चुअली मैंने ना एक्चुअली चाय छोड़ी है, तो इट्स बिन अ वीक कि मैंने चाय नहीं पी है, और आज मेरा दिमाग बहुत ऐसे सनक रहा था कि यू नो आई नीड चाय, मेरा एक्चुअली मैं अदरक वाली चाय पीने का मन है, बट नहीं, मैंने अपने विल पावर स्ट्रांग करने के लिए, मैं 1 वीक हो गया मैंने चाय नहीं पी है, बिकॉज मुझे मीठा छोड़ना है बिल्कुल, तो और ना मैंने मीठा खाया है, और ना मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि मैं और सारी चीज़ें छोड़ सकती हूँ, मुझे और किसी मीठे का कुछ नहीं है, बट मैं चाय मीठे के बिना नहीं पी सकती, पता नहीं मेरे को क्या होता है, मतलब मुझे ऐसा, तो इस या तो पियो ना, मैं ना पीने में ज़्यादा बेटर बिलीव करती हूँ। तो यस ये था अभी तक का अपडेट कि मैंने क्या क्या करा है, तो मैं आपको क्विकली सा एक दिखा देती हूँ, जहाँ मैं लिविंग रूम में बैठी हूँ वहाँ पर मैंने प्लांट्स लगाए हैं, अभी दिखाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सेटिंग करनी शुरू करी है, यहाँ प्लांट्स लगाए हैं, एंड देन यहाँ पे दिस, और ये मैं पैक कर रही हूँ सामान, जो जो मेरे को नहीं चाहिए वो मैं सारा इसमें डाल रही हूँ। उधर मैंने अपना बेड सेटल कर दिया है थोड़ा थोड़ा सा, और ये बैग्स कहीं पता नहीं कहाँ रखूँगी मैं, एंड यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी सी ग्लिम्स दिखाती हूँ, बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। और होने लग गई है रात, आई थिंक इट्स 7 o'clock। और एक और चीज़, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कल आई इस घर में, है ना, और ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा हो, है ना कुछ तो होना ही होता है ना। तो यस मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है, घर में पानी नहीं आ रहा है, मतलब पानी कैसे आ रहा है कि मैं टैप ओपन कर रही हूँ, बाथरूम में भी किचन में भी टैप ओपन कर रही हूँ, एकदम से प्रेशर से आता है, और उसके बाद बिल्कुल एक धागे की तार जैसा हो जाता है, तो मैं उससे
कल से लेके आज तक मैं मैनेज कर रही हूँ, और मैंने कंप्लेंट लिखवाई है, मैंने वाटर कंपनी को भी करा है, एवरीथिंग सीम्स फाइन, बट पता नहीं कहाँ पे क्या ख़राब है, और उन्होंने अभी कंप्लेंट एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट को भी फॉरवर्ड करी है। सो भगवान जाने अब कब ठीक होगा इस वीकेंड, क्योंकि वीकेंड पे ये लोग तो जरा ही जमा ही इनको मौत आ जाती है कुछ काम करने के लिए, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा कितना परेशान हो रहा होगा। दिस इज़ इन जनरल यहाँ का बिहेवियर होता है नेदरलैंड्स में, यूरोपियंस का, आई थिंक सब जगह ऐसा ही है कि दे आर लाइक फ्री बर्ड ऑन द वीकेंड्स, दे डोंट केयर अबाउट द एमरजेंसीज, अर्जेंसी लोग कैसे मैनेज कर रहे होंगे, दे आर जस्ट लाइक ओके फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे मंडे को देखेंगे क्या करना है। तो आई एम जस्ट रियली वरिड कि इस वीकेंड पे क्या होगा। मैं एक्चुअली आज भी मैं नहा नहीं पाई इसी चक्कर में, और आई एम जस्ट लिटिल स्केयर्ड नाउ। ज़्यादा से ज़्यादा तुम एक ही दिन स्किप कर सकते हो, उसके ज़्यादा तो खुद को ऐसा गंदा फील होने लग जाता है। तो देखती हूँ क्या करते हैं, बाकी जैसा रहा आपको बताती रहूँगी मैं। और तो आज तो यस, मैंने देखा कि इस पे नेटफ्लिक्स पे ग्रेट इंडियन कपिल शो, हाँ ग्रेट इंडियन कपिल शो आ गया है, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या है इसमें। और साथ में मैं अभी चेक करने लगी हूँ अपना कि मेरे पानी वाले इशू का क्या हुआ है, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं आया है, मोस्ट प्रोबेबली अभी कुछ भी नहीं आएगा आज तो, बिकॉज ईस्टर है, कल ईस्टर था तो आज छुट्टी है, तो मोस्टली एवरीबडी इज़ ऑन हॉलीडे यहाँ पे नेदरलैंड्स में। तो यस, मैं अभी बैठ के ये करने वाली हूँ। एंड इसके अलावा बस आप देखिए ये व्लॉग, और ये व्लॉग मैं करती हूँ यहाँ पे एंड। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको घर का क्विक टूर दूंगी, तो बिकॉज अभी ऑलमोस्ट सेटल हो गया जैसे कि आपको दिख रहा है पीछे, तो थोड़ा मैंने सामान समेट लिया है, थोड़ी ऑलमोस्ट मैंने कर ली है, तो जो मुझे सामान नहीं चाहिए वो मैंने अपने बॉक्सेस में अलग से करके रख दिया है। सो यस, तब तक आप ही देखिए ये व्लॉग, कुछ ज़्यादा तो कैप्चर नहीं कर रहा, कहीं बाहर भी नहीं गई, मैं बाहर गई थी एक्चुअली वीकेंड पे सब्जी वगैरह सामान वगैरह लेने के लिए, बट वो कुछ कैप्चर नहीं करा बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो यस, आप ये देखिए व्लॉग, एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में होम टूर के साथ। बाय बाय।